फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं लहसुन वाली भिंडी। ये देखिए, लहसुन हमने बारीक बारीक काट लिया है और ये 2 से 3 प्याज काट लिए हैं लंबे लंबे। ये हरी मिर्च जो मैंने लंबी काटी है और ये भिंडी मैंने अच्छे से धो के सुखा के इसको इस तरह काट लिया है। आइए अब इसको तड़का लगाते हैं। लहसुन वाली भिंडी बनाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, भिंडी को तड़का लगाने के लिए हमने सरसों का तेल रख दिया है, इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया और इसमें अब हम लहसुन डाल देते हैं। ये देखिए, लहसुन हमारा अच्छे से तड़क गया, इसमें हम प्याज डाल देते हैं और इसी के साथ डाल देंगे हम भुना हुआ जीरा। भुना जीरा के साथ डाल देंगे हम पिसी हुई खटाई, इसमें डाल देंगे हम पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब देखिए फ्रेंड्स, हल्दी का कलर हमारा आ गया, मसाला भुन गया अच्छे से। अब इसमें हम डाल देते हैं भिंडी जो हमने धो के बारीक काटी हुई है। आप चाहे तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ, सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए, भिंडी हमने इसमें डाल दी है और इसको मिक्स कर दें। और अपना ज्वाइन का बटन एक है इसमें मेरे चैनल के नाम के साथ, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये देखिए, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने लंबी लंबी काट ली है। और अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें नमक, क्योंकि नमक के बिना तो सब्जी का टेस्ट ही नहीं है। अब इसको हम मिक्स करके सिर्फ 5 मिनट सिम आँच पे रख दें, क्योंकि मसाले हमारे सारे भुन गए। और ये लहसुन वाली भिंडी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ये देखिए, इसको सिर्फ अब हमें 5 मिनट ही रखना है, हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए, हमारी भिंडी बनके एकदम मस्त रेडी हो गई और गल भी गई है। इस तरह आपको बनाई हुई हमारी सब्जी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।